नमाज पढ़ने आई थी। हाँ नकार इन जवान बेचारे नकार न बार न चीज मस्जिद के साथ हमारे एक हिस्टोरिकल एक अम्बिलिकल कनेक्टिविटी है एंड वी आर फीलिंग वेरी मच एलेटेड। हमने नमाज पढ़ी अच्छी तरह से लेकिन फिर भी तो प्रिकॉशनरी मेजर्स थे किसमें सोशल डिस्टेंसिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं QNS न्यूज़ 24/7 और मैं हूं आपके साथ उबाद मलिक। अभी हम हैं तारीखी जामिया मस्जिद नवहट्टा में और करीबन ढाई साल के बाद जामिया मस्जिद को खोला गया और 100 जुमा के बाद आज जुमा की नमाज अदा होगी जामिया मस्जिद में। लोगों ने क्योंकि अकीदामंद लोग दूर दूर इलाकों से आके जामिया मस्जिद की ओर रुख करते हैं क्योंकि तारीखी जामिया मस्जिद है और आज हम यहाँ पे लोगों से बात करते हैं कैसा उन्होंने महसूस किया, क्या कुछ लोगों का रिएक्शन है, चलिए इस रिपोर्ट में। कुछ नकार इन जवान बेचारे नकार न बार न चीज न दुकान त्रावन यल मजबूरी क्या यूत पुलिस मुसलमान पता यह मे हूँ दिल मज कौत बाबरी मस्जिद कर कथ देखो लगी रात छ آز حظ گٔے أسۍ خۄش واریاہ، آز گوٚو واریاہ یہِ حظ یہِ وبٲیی بٮ۪مٲرۍ تہِ ٲس یَتھ، آز کوٚر اَسہِ واریاہ دِل گوٚو اَسہِ آز خۄش، اَسہِ پٔر آز نٮ۪ماز بیٚیہِ، یِتھَے پٲٹھۍ گژھِ اِنشاء اللہ یِن بیٚیہِ نٮ۪ماز پَرنہٕ اَصٕل پٲٹھۍ اَمنہٕ سان ٹھیٖک پٲٹھۍ پوٗرٕ اَمنہٕ سان ٹھیٖک پٲٹھۍ بَس اَصٕل حظ اَصٕل اَصٕل حظ لُکھ حظ ٹھیٖک اَصٕل حظ اَصٕل آ مغفرت آسہِ کَرُن گۄناہَن کَرُن بیٚیہِ وبٲیی بٮ۪مٲرۍ گژھِ دوٗر گژھٕنۍ أسۍ گژھو یور یِنۍ گژھٕنۍ نٮ۪ماز پَرنہِ بَس بیٚیہِ حظ کیٚنٛہہ اَسہِ گژھِ دیٖنَس سۭتۍ تھاوُن اللہ تعالیٰ بَس بیٚیہِ نہٕ حظ کیٚنٛہہ نماز پڑھنے آئی تھی ہاں ہاں اچھا فرائیڈے ہاں پاپا کے ساتھ اچھا لگا ہاں آپ نے اللہ میاں سے آج کیا مانگا हाँ आपने अल्लाह से क्या मांगा आज मैंने अल्लाह मियां से मांगा कि हाँ हम फ्राइडे के दिन ऐसे ही जामिया मस्जिद ऐसे ही जो मस्जिद है वो खुली ऐसे ही होनी चाहिए और ऐसे ही खुली होनी चाहिए। आपने दुआ की? हाँ किसके लिए दुआ की? मेरे नानू को माफ़ करो, मेरी नानी को बरेरी करो और मेरी नानी को सेहत रखो, मामी को बेबी दे दो, मामी को बरेरी करो और मामू को जायला कर दो, मामू को बरेरी करो, हाई कोर्ट जज बननी चाहिए और मुझे मैम हमारे कैप्स करनी चाहिए और मुझे फर्स्ट आनी चाहिए और मेरा भाई भी अच्छा रहना चाहिए और मेरी फैमिली हमेशा खुश रहनी चाहिए और मैं भी खुश रहनी चाहिए और मैं भी खुश रहनी चाहिए और मेरा भाई भी खुश रहना चाहिए। मेरे भाई को DC ऑफिसर बनाओ, मैं मुझे हाई कोर्ट जज बना और हमें कोरोना से बचाओ और जो लोग कोरोना से है उनको भी बचाओ और जिन लोगों को कोरोना हो गया उनको भी बचाओ। अपने लिए क्या मांगा? अपने लिए मुझे हाई कोर्ट जज बना और मुझे क्लैप्स करो और मुझे मामा मेरी मामा खुश रहनी चाहिए और मेरी टॉप आनी चाहिए। अपनी मामा के लिए क्या मांगा? हाँ मेरी मामा लेक्चरर बननी चाहिए। लेक्चरर बननी चाहिए? आपका क्या शौक है बनने का? मेरा मुझे बनने का हाई कोर्ट जज और मेरी मामा का लेक्चरर और मेरे पापा का प्रोफेसर और मेरी मामा का और मेरे भाई का है DC ऑफिसर। कश्मीर के लिए क्या दुआ की आपने? हाँ कश्मीर के लिए? और कश्मीर को
पुष्टि होनी चाहिए और कश्मीर में जो कोरोना उसको भी दूर करो। शुक्रिया बात करने के लिए आपका। शुक्रिया गई मशीदी बंद मगर यह गो सठ गलत आज पारा शुक्र अल्लाह तला सुन बेचिन करा शुक्रिया यम जान अहमद यल दुर्ग अशर ये नमाज अल्लाह तला थी नमाज कबूल मगर अक् चीज मीरवाइ सब गल ग तम सचस शूब नूब कहो वो पे मीरवाइ सब बंद इस सरासर नाइन सब यहां यह जल्द अज जल्द गु रहा ग तम बिचार क्या तुम तूह ये बंद आम सबसे पहले आपने मेरा नाम शौकत है शौकत साहब। शौकत साहब आज आप बड़े टाइम के बाद जामा मस्जिद को दो ढाई साल कैसा लगा? इट वाज थोड़ा मैं इसको इंग्लिश में भी एंड आई विल जस्ट मूव so it has been a spiritually elated experience that we have again got connected kyunki hamare jo jamia masjid ke sath hamare ek historical ek umbilical connectivity hai and we are feeling very much elated we are being feeling connected that aaj humne yahan par namaz pada ki time ke baad aaj jamia mein टाइम के बाद खुली और जामे में आज कितने लोग जुमा के नमाज़ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल वेयर प्रेजेंट इन जामिया मस्जिद फॉर ऑफरिंग दीज फ्राइडे प्रेयर्स एंड व्हेन वी टॉक टू द पीपल एंड अगेन दे वेर वेरी मच मैंने आपको पहले कहा एक इनर एक इंट्रेंसिक हैप्पीनेस थी लोगों में अंदरूनी खुशी थी लोगों में दे आर कम टू जामिया मस्जिद दे आर ऑफरिंग और दूसरी बात मैं इस परस्पेक्टिव में कहना चाहता हूँ और जो मैंने पहले भी बता दिया अभी आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे एक क्राइसिस है हमारी सोसाइटी में सोशल क्राइसिस है सोसाइटीज बढ़ रहे हैं मतलब डिप्रेशन एनजाइटीज़ जो पोस्ट स्ट्रेस डिसऑर्डर्स है या पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स है फोबियाज है या हमारी जो सोशल जो वेब है वो मतलब वीकन हो रहा है मतलब कमज़ोर जामिया मस्जिद में मतलब मैंने पहले भी कहा कि सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल हैड कम टू जामिया मस्जिद टू ऑफर दिस फ्राइडे प्रेयर्स एंड अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट एनी मतलब मॉनिटरिंग पीपल हैड देमसेल्व्स फॉलोड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स दे आर वेयरिंग द मास्क्स दे वर यूजिंग दिस हैंड सैनिटाइजर्स एंड वाइल ऑफरिंग जब हमने वो सफ़े किए दे आर ऑलरेडी मेंटेन दैट मतलब डिस्टेंस इन रोज अच्छी तरह से एंड ऑन देयर ओन विदाउट एनी मतलब पुश। मैंने सबसे बड़ी दुआ यही मतलब कि हम लोग कुछ सालों से मतलब वी आर वेकिंग विदाउट एनी डायरेक्शन विदाउट एनी कंपस मैंने यही दुआ की अल्लाह ताला से कि हम जिस क्राइसिस के दौर में हम लोग गुजर रहे हैं जो एनजाइटीज़ है जो स्ट्रेसेस है अल्लाह ताला वो दूर करे अल्लाह ताला लोगों में अगेन जो लोग फील करें चौकड़ लोगों को वो स्पेस मिले ताकि दे कैन गिव वेंट टू देयर फीलिंग्स एक सेल्फ एक्सप्रेशन उनका मतलब वो जो वो प्रमोट हो जाए। अगेन मैंने अल्लाह ताला से वही दुआ की कि लोगों में अगेन वो खुशी आए खुशहाली आए वो भाईचारा मतलब वो मैंने उसी के लिए दुआ की। थैंक यू सर। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम है एफ एच फाजिली। सर आज बहुत टाइम के बाद जामिया मस्जिद खुल गई पहला जुमा आज करीबन दो साल ढाई साल के बाद पड़ा जी बिल्कुल वाकई कभी मार्च में भी पड़ी थी बीच बीच में लेकिन जहाँ तक कोविड का सवाल था कोविड के सिलसिले में मस्जिद बंद रही ख़ास तौर से वो रिलीजियस कंजर्गेशन जो थे इज्तिमाई अंदाज में वो तो बंद थी तो आज हमने नमाज़ पढ़ी शुक्र अल्लाह ताला का तबारक व तआला का हमने नमाज़ पढ़ी अच्छी तरह से लेकिन फिर भी तो प्रिकॉशनरी मेजर्स थे जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह वगैरह उसका एहतमाम किया गया था और बाकी दिल को तसल्ली हुई लोगों को मस्जिद खुली नमाज पढ़ी लिबरली एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट मैनर में पढ़ी तो मसरत हुई। बाकी जहाँ तक ये अभी तो इसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स कंटिन्यू रखनी है कोविड के सिलसिले में बात कर रहा हूँ जहाँ तक कोविड का सिलसिला है तो फिर से खुदा न खास्ता अगर तीसरी लहर आई तो उसमें फिर रेस्ट्रिक्शन तो लगेगी ही इस पर पब्लिक में एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है तो अभी की आज की जो बात है ठीक है नमाज पढ़ी शुक्र अल्लाह ताला का नॉर्मल मैनर में पढ़ी नमाज बहुत अच्छी अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्त सेहत आफियत से नवाजे और इस वबाई बीमारी से जो पेंडेमिक है इससे निजात दिलवाए आमीन सुमा आमीन।